हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार सिंह आप लोग स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैमिली में। आज सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने लाइफ प्रोग्रेस कर रहे होंगे। आप लोगों को पता ही हुआ कि 59 ऐप्स जो हैं, जो 59 ऐप है, वो चाइनीज जो ऐप था वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया है। जी हाँ, वो सारे ऐप जो है वो प्ले स्टोर से हट चुके हैं। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि जो हम ऐप यूज़ करते थे, जो रेगुलर लाइफ में हमको यूज आता था, हम फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते थे, ब्राउज़र यूज़ करते थे, तो उसके बदले हम कौन सा ऐप यूज़ करें। तो आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐप जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसका वो आपके लिए हो सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि करके सारे ऐप के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्राउज़र की। तो आपको पता होगा कि यूसी ब्राउज़र, डीसी ब्राउज़र, सीएम ब्राउज़र, एपस ब्राउज़र, ये सारे चाइनीज़ ब्राउज़र जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं। वैसे भी ये ऐप सेफ़ नहीं था, मैं पहले भी इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ। यूसी ब्राउज़र पहले भी बैन हो चुका था, तो अगर आपके फ़ोन में अभी भी ये है तो प्लीज़ इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके बदले में आप यूज़ कर सकते हैं गूगल क्रोम, जो कि गूगल का है, बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, हर फ़ोन में होता ही है। मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, और अगर आपको इंडियन यूज़ करना है तो जियो ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ब्राउज़र सेफ़ हैं, इसको आप इंस्टॉल कीजिए। बाकी के अगर यूसी ब्राउज़र, सीएम ब्राउज़र, डीसी ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, वो आपके फ़ोन के लिए सेफ़ नहीं है। अगर फाइल ट्रांसफ़र ऐप की बात करें तो शेयर इट, जेंडर, ES फाइल एक्सप्लोरर, इन ऐप्स को बैन कर दिया गया है। इनकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं फाइल्स गो, सेंड एनीवेयर, और अगर आपको इंडियन ऐप चाहिए तो आप यूज़ करते हैं कर सकते हैं शेयर ऑल, जियो स्विच और स्मार्ट शेयर। जी हाँ, ये कुछ ऐप्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके फ़ोन में MX प्लेयर है तो आप उसको भी डेटा शेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर भी डेटा शेयरिंग का ऑप्शन आता है, उसको यूज़ करके आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के अंदर डेटा शेयर कर सकते हैं। अगर शॉपिंग ऐप की बात करें तो यहाँ पर क्लब फैक्ट्री, सीन, इन दोनों ऐप्स को जो है वो बैन कर दिया गया है। इनकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, लाइमरोड। लाइमरोड जो है वो सिमिलर है लगभग क्लब फैक्ट्री के, क्योंकि वहाँ पे आपको सस्ते प्राइसेज में जो है आपको सामान मिल जाता है, तो आप इन ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर स्कैनर ऐप की बात करें, जब डॉक्यूमेंट स्कैन करने की बात आती है, तो कैम स्कैनर ऐप टॉप का ऐप था, जो कि सभी के फ़ोन में होता था, सभी यूज़ करते थे, तो इस ऐप को भी बैन कर दिया गया है। इसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐप्स, उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एडोब स्कैन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, फोटो स्कैन, टैप स्कैनर। मुझे पर्सनली जो है वो एडोब स्कैन बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं शुरू से ही इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे से डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके देता है, तो आप एडोब स्कैन को यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको आपको रेफ़र करूँगा। अगर कैमरा ऐप की बात करें तो यहाँ पे यूकैम परफेक्ट और सेल्फी सिटी को बैन कर दिया गया है। इसकी जगह पे आप B612 यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऐप है, आपको बहुत सारे फ़िल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, ब्यूटी मोड मिलता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जो भी ऐप बैन किया गया है उसकी जगह पे। अब हम बात कर लेते हैं उस ऐप के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह सारा कांड हुआ है। जी हाँ, टिकटॉक के बारे में बहुत सारे लोग मुझे टिकटॉक का अल्टरनेटिव पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि मेरे पास टिकटॉक का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि बहुत सारे ऐप है अवेलेबल, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बताएंगे, लेकिन मैं पर्सनली कोई भी ऐप आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरी पर्सनल चॉइस है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरे पास कोई भी ऐसा सजेशन नहीं है टिकटॉक का अल्टरनेटिव। न्यूज़ ऐप की हम बात करें तो यहाँ पे यूसी न्यूज़ को बैन कर दिया गया है। वैसे भी यूसी न्यूज़ यार बैन होना ही चाहिए था, क्योंकि उसके ऊपर जो न्यूज़ आता था वो न्यूज़ के नाम पे क्या आता था वो सबको पता है, बहुत ही नीची क्वालिटी का न्यूज़ दिया जाता था, मतलब कुछ भी न्यूज़ के नाम पे दिया जाता था। तो वैसे ही मैं पहले भी वीडियो बना चुका था जिसके ऊपर मैंने बताया था कि आपको ये ऐप यूज़ नहीं करना चाहिए, तो अगर आपके फ़ोन में अभी भी है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं गूगल न्यूज़, एप्पल न्यूज़, इन शॉर्ट्स, इन ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं न्यूज़ के लिए, और बाकी आप गूगल पे तो न्यूज़ देख ही लेते हैं। अगर वीडियो एडिटिंग की बात करें तो हम वीडियो एडिटिंग के अंदर वीवा वीडियो एडिटर जो था उसको बैन कर दिया गया है। इसकी जगह पे आप बहुत ही अच्छे अच्छे ऐप्स हैं जिसको मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, जैसे कि काइन मास्टर, पावर डायरेक्टर, इन शॉर्ट, इन ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो एडिटिंग करके देता है। स्पेशली अगर मैं काइन मास्टर की बात करूँ तो इसके अंदर आप प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ यूजफुल ऐप्स जो कि अल्टरनेटिव थे, जो कि ऐप बैन किए गए उस ऐप का अल्टरनेटिव था, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके फ़ोन में कोई
भी चाइनीज ऐप है जो स्पेशली बैन किया गया है, अगर वो आपके फ़ोन में अभी भी अवेलेबल है तो प्लीज़ उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, वो आपके फ़ोन के लिए सेफ नहीं है। इसके बदले में आप ये सारा ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं किसी भी ऐप को मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको वहाँ पर अल्टरनेटिव दे दूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, ताकि अगर उनके फ़ोन में ये ऐप है पहले से चाइनीज़ ऐप तो उसको वो इंस्टॉल कर सके और साथ ही साथ नए ऐप्स जो कि उनके लिए यूजफुल हो सकते हैं वो इंस्टॉल कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।